देखिए रांची शहर में जो ब्राउन शुगर के जो मुख्य धंधेबाज हैं। रांची में ब्राउन शुगर के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रांची के कडरू इलाके में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से 9.56 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि वह पिछले 2 वर्षों से धंधे से जुड़े हैं। एक अन्य छापेमारी में पुलिस ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़े एक ही परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिवार के पास से 900 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। रांची केवरिया पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि इस काम से कई अन्य लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस की दबिश इसके कारण कई लोगों ने इस धंधे के किनारा कर लिया है। देखिए रांची शहर में जो ब्राउन शुगर के जो मुख्य धंधेबाज हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, और इस क्रम में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में और विधानसभा थाना क्षेत्र में दोनों जगहों पर से गिरफ्तारियां हुई है और भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। विधानसभा थाना क्षेत्र में एक घर में 900 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जिसमें उसके पूरे परिवार के लोग संलिप्त हैं व्यापार में, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ जो है अरगोड़ा थाना क्षेत्र में कडरू में बोखाबाड़ी बगीचा टोली है, वहाँ के पास से 100 पुड़िया बरामद हुआ है, उसमें भी 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, जिस पर आगे भी जो है सफलता मिलने की संभावना है। और जो मुख्य मुद्दा है कि जब इन लोगों से पूछताछ हुई, ये बता रहे हैं कि पुलिस के दबाव के चलते कई लोगों ने ये ड्रग्स बेचने का जो धंधा है उसे छोड़ा है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा सिग्नल है कि लोग जो है पुलिस की छापेमारी और उसके तनाव में आकर इन सब धंधों को डर के मारे छोड़ रहे हैं। और हम लोग जो है जो इन लोगों से महत्वपूर्ण सूत्र मिला है उसके आगे आगे भी कार्रवाई करेंगे, और हम लोग लगता है इसके आगे भी बरामद हुए सफलता मिलेगी। ये जो बता रहे हैं इसमें बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो ऑटो ड्राइवर्स का है, और जो बेरोजगार लड़के हैं और जिनका कहीं पर बैठकी होता है, जैसे कि वही कहीं मैदान में, कहीं पर स्टेडियम में, कहीं पर श्मशान घाट के बगल में, ऐसा बहुत उन्होंने कुंदा के श्मशान टोली की बात बताई, हरमो मुक्ति धाम के नाले के बारे में बताया कि वहाँ पर आसपास में जो इस तरह के लड़के जो लॉयटर आउट करते रहते हैं उनका, और ऑटो ड्राइवर्स का एक बड़ा वर्ग जो पूछा वाला है, वो बहुत बड़ा वर्ग जो है इनका टारगेट हो चुका है, जो लोग खरीद करके कुल मिलाकर जो है 2 औरतें 5 लोग गिरफ्तार हुआ, महिला भी है। हाँ, इसमें महिला भी, 2 महिला है, कीमत करीब लाखों में है, और अभी अप्रोक्सीमेट जो है जिसकी क्वालिटी के बेसिस पर हम लोग जो है ठीक है। सबसे